हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी मल्टीग्रेन पापड़, या आप इन्हें चिप्स भी कह सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही ये हेल्दी हैं। दे आर हाई ऑन प्रोटीन। इन्हें बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेस्टिवल सीजन में ना सिर्फ मिठाइयाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, लेकिन मिठाइयाँ ज़्यादा खाने के बाद कुछ नमकीन खाने को भी मन करता है। ऐसे में बाज़ार से लाए हुए चिप्स याद आते हैं, या फिर घर पे कुछ तल कर बनाया जाता है, जैसे कि हम बनाते हैं नमक के पारे। इसके अलावा पकौड़े, कचौड़ियाँ, ये सब भी घर में इस टाइम पर काफ़ी बनती है। और कई लोग इस टाइम पे नमकीन खाने का जब मन करता है तो बाज़ार से समोसे भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में इस तरह के हेल्दी नमकीन स्नैक्स रखे हुए हैं तो आप अपनी क्रेविंग को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 50 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लिए हैं। ये ब्राउन फ्लैक्स सीड्स हैं, आप चाहे तो गोल्डन या येलो फ्लैक्स सीड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैं सनफ्लावर सीड्स, ये भी हमने 50 ग्राम लिए हैं। इसके साथ ही हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है, ये है मेलन सीड्स, तरबूज के बीज हैं, ये भी हमने लिए हैं 50 ग्राम। ये हैं पम्पकिन सीड्स, बहुत ही हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच। ये सारे ही जो सीड्स हैं ये हेल्दी फैट्स में इंक्लूड होते हैं। ये हैं सेसमी सीड्स यानी तिल, प्रोटीन में हाई होते हैं और सर्दियों में खासकर इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। ये है मस्क मेलन यानी खरबूजे के बीज। चिया सीड्स हैं, आप चाहें तो इसके बदले तुलसी के जो बीज होते हैं बेजिल सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मेज फ्लावर यानी मक्की का आटा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड्स को पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए उनका पिसा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे एज इट इज़ खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। यानी अगर आपको उनकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो उसे पीसना अच्छी चीज़ है। सारे सीड्स जो हमारे हैं वो हमने अब एक बड़े बोल में मिक्स करने हैं। एक एक करके हमने ये सारे सीड्स डाल लिए हैं। ये है चिया सीड्स, ये ब्लैक एंड वाइट हैं, ये और भी डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। जो पम्पकिन सीड्स हैं और जो हमने मेलन सीड्स लिए हैं, हम उसे हल्का हल्का इस तरह से काट लेंगे, चॉप कर लेंगे, ताकि जब हम इसे बाद में कट करें या फिर स्लाइस करें तो दिक्कत ना आए। इसे रफली हमने चॉप किया है, ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो क्रंच है वो रहना चाहिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसे नहीं किया है और इसी तरह कट कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है। हमने यहाँ चॉपिंग बोर्ड के बदले इस तरह से इस कपड़े को यूज़ किया है, वरना ये बार बार उड़ते रहते हैं और दिक्कत होती है। इसे हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, अमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर दिया है और अब सॉल्ट टू टेस्ट। जितना आप सॉल्ट कम ही खाना चाहिए, इसलिए कम ही डालें। और यहाँ पे हम काली मिर्च के पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। ये 1.5 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो होता है इसमें हमने बहुत थोड़ा सा डाला है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है बाद में खाने के। अब हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया है, धीरे धीरे करके हम इसमें गर्म पानी और ऐड करेंगे और एक थिक बैटर हम तैयार कर लेंगे। देखिए, ये थिकनेस होनी चाहिए आपके बैटर की। इसे हमें आधा घंटे छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद वो जो सारा लिक्विड है एक्सेस वो सोक कर लेगा। अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे ग्रीस करके हमने रखी थी, उस पर हमें इसे स्प्रेड करना है। ये ध्यान रखें कि बहुत थिनली हमें इसे स्प्रेड करना है, ज़्यादा मोटा नहीं, तभी वो क्रंच जो है जो क्रैकर्स का आता है वो इसमें आएगा। अब हम इसमें मार्क लगा रहे हैं। अगर हम पहले से मार्क करेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर इस तरह से, तो हमें बाद में कट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो एक अच्छी ट्रिक है ये। इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 20 मिनट तक, या तब तक ही इस तरह से गोल्डन ना हो जाए। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 हफ्ते तक और बच्चों को बहुत हेल्दी लगेंगे। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक हेल्दी स्नैक है जो आप कभी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कुछ ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, stay happy, and I'll be back very soon with another healthy recipe. Until next time, bye bye, take care.